हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज मेरे साथ मौजूद हैं विक्रम पावा, बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट। तो सर, फिर से हम जॉय टाउन के लिए आए हैं और जॉय टाउन में मतलब आखिरी है इस साल का आखिरी है और भी होना है। इस साल का आखिरी है बिकॉज हमने शुरू किया था ये दिसंबर लास्ट ईयर में दिल्ली में, उसके बाद 7 जनवरी को हमने किया था मुंबई में और आज 28 तारीख को हम कर रहे हैं बैंगलोर में। तो ये 3 सीरीज़ का एक सीज़न था। सो अभी अगला सीज़न स्टार्ट होगा फिर दिसंबर में जाके। तो इस साल का नहीं कहूँगा, इस सीज़न का आखिरी है। तो इस सीज़न में आपने जो स्टार्टिंग में बोला था 8 हफ्ते में 8 गाड़ियाँ। बिल्कुल। तो साल में कितनी गाड़ियाँ लॉन्च करने का प्लान है? देखिए, 8 हफ्ते में, बाकी 2023 में जो है 18 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान है। 16 कार्स हैं उसमें से और 2 बाइक्स हैं। ओके, तो अभी तक जैसे कि आपने IX लॉन्च की, XM लॉन्च की, तो इलेक्ट्रिक कारों की तरफ मतलब किस तरीके से जो कस्टमर का फीडबैक है वो देखने को मिला है? देखिए, इलेक्ट्रिक कारों में हमने जो है अभी तक 4 गाड़ियां लॉन्च की है और एक जो है हमने हाइब्रिड भी लॉन्च की है जो है XM। तो 5 गाड़ियां की ऑफरिंग है इलेक्ट्रिक में अगर हमारी देखी जाए, जो कि वाइडेस्ट चॉइस है कंट्री में आज अगर देखें। और क्योंकि मैं ये वाइडेस्ट चॉइस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 5 गाड़ियां हैं काफ़ी अलग अलग टाइप की है। यू नो, आपके एक मिनी हैच है जो एक छोटी गाड़ी है, प्रीमियम हैच है, आपके पास i4 सेडान है जो एक एग्जीक्यूटिव सेडान कहलाती है, IX है जो प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल है, SUV है जो लोग नॉर्मली बोलते हैं, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल बोलते हैं, एक लिमोजीन है जो i7 है और XM है जो एक जो कहते हैं कि आपकी रियली बिग SUV है, लग्जरी SUV, राइट। सो ये 5 गाड़ियाँ काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं। आई डोंट थिंक किसी और मैन्युफैक्चरर ने इतनी वेराइटी ऑफर की है इंडिया में। सो हमारा जो है 2022 में जो हमने देखा था, जब हमने पहले 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जो डिमांड थी हमारी 10% के करीब इलेक्ट्रिक की थी। सप्लाई हम नहीं उतना कर पाए तो इसलिए सप्लाई में वो नहीं दिख रहा है, पर डिमांड 10% की थी। मेरी उम्मीद यही है कि अब जो हम इतने और प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं XM लॉन्च करने के बाद और i7 लॉन्च करने के बाद, ये डिमांड जो है और बढ़ेगी। ओके, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई पूरी कर सके अपने कस्टमर्स को, काफ़ी वेटिंग है। तो उसके लिए मैं सराहता हूँ अपने कस्टमर्स की कि धन्यवाद कि आप थोड़ा वेट कर रहे हैं, बट ये मेरा एश्योरेंस है कि हम पूरी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट ला सके। जैसे IX है, अब उसकी अवेलेबिलिटी हम थोड़ी अरेंज कर पाए हैं, तो कस्टमर्स को मैं देखा है कि थैंक यू बोल रहे हैं मुझे कि चलिए आपने नए साल में हमें ये नई अच्छी खबर दी है। तो IX काफ़ी कस्टमर्स जो वेट कर रहे थे उनकी सप्लाई अब शुरू होगी, ऐसी धीरे धीरे करके हम सारे प्रोडक्ट्स सप्लाई करेंगे। अब फोर व्हीलर में अगर आप देख मतलब हम देख रहे हैं कि आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स उतार दिए, BMW मोटोराड जिसके पास परफॉर्मेंस बाइक्स हैं, तो परफॉर्मेंस टू व्हीलर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस टू व्हीलर की या फिर नॉर्मल टू व्हीलर की, तो हम उसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कब देख सकते हैं BMW मोटोराड की तरफ? देखिए, मैं ये कभी नहीं बताता कब कौन सा हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, बट हाँ जरूर इलेक्ट्रिक एक्शन आप देखेंगे हमारी तरफ से इस साल। मैं ये आपको कमेंट नहीं करूँगा इस साल होगा या अगले साल होगा, क्योंकि देखिए हमारे पोर्टफोलियो जो हमारा वर्ल्ड वाइड पोर्टफोलियो होता है, हम पूरे टाइम इवेलुएट करते रहते हैं कि क्या सही टाइम है उसको इंडिया में लाने का। ठीक है, जैसे हमने बोला कि गाड़ियों में हम जब लेकर आए इलेक्ट्रिक इतना, तो हमारे पास एक पूरा प्लान था कि जैसे हम अपने कस्टमर को एक चार्जिंग बॉक्स देते हैं जो उनके घर पे या ऑफिस में इंस्टॉल होता है, ताकि उनको किसी को बाहर के ऊपर डिपेंडेंस ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ हम अपने डीलर नेटवर्क में भी फास्ट चार्जर लगाते हैं, DC फास्ट चार्जर, ताकि कभी कोई ट्रैवल कर रहा हो तो उनकी भी चार्जिंग हो सके। तो वो हमने एक पूरा कहते ना इकोसिस्टम बना लिया था 4 व्हीलर्स का, तब हमने लॉन्च किया। इसी तरीके से हम अपने स्ट्रेटजी 2 व्हीलर्स की बना रहे हैं, जब राइट टाइम होगा हम बिल्कुल लॉन्च करेंगे। लास्ट जो BMW जॉय टाउन था मुंबई में, आपने IX और द 7 लॉन्च की थी। तो उस गाड़ी को मतलब किस तरीके से रिस्पांस मिला है, क्योंकि उसमें जो फीचर खासकर जो रियर पैसेंजर के लिए जो फीचर दिया है वो बड़ी सी जो स्क्रीन दी है, तो कस्टमर से किस तरीके का फीडबैक देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक आया। मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी अभी मुश्किल से कितने 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए हैं ना मुश्किल से लॉन्च किए, राइट। 3 हफ्ते में इतना रिस्पांस आया है, अभी सप्लाई शुरू होने वाली है मार्च में, ओके, उससे पहले ही मुझे लग रहा है कि हम पूरा आउटसोल्ड हो जाएंगे पूरे साल का कोटा। इतना अच्छा रिस्पांस आया है एंड लोग जो भी वो देख रहा है प्रोडक्ट, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मतलब ये एक बेंचमार्क क्रिएट किया गया है इंडस्ट्री के अंदर, क्या ऐसी कोई गाड़ी नहीं है कि जिसके अंदर इतनी लग्जरी हो, इतनी सहूलियत हो, इतना एंटरटेनमेंट फीचर हो। यू नो, हम सबको आदत थी वो सीट के पीछे एक छोटी सी स्क्रीन, यू नो 31.8 इंच की स्क्रीन लगाना एक काफ़ी एक इनोवेशन है एंड लोग अब आगे सोच रहे हैं कि इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो काफ़ी लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकता हूँ इससे के लिए। तो यू नो, इससे पता चलता है कि लोग कितना इस चीज़ की वेट कर रहे थे। तो
काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। बाकी गाड़ियाँ भी जो अभी हमने लॉन्च की हैं, ये 8 प्रोडक्ट, हर एक का रिस्पांस बहुत सॉलिड रहा है। मतलब जो दूसरे लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के लिए सोच नहीं पाए वो BMW ऑलरेडी कर चुका है। अब आज आपने जो लॉन्च किया है X1 में, ऐसी क्या खासियतें हैं जो कि पुरानी वाली जो X1 थी उसके मुकाबले अब लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? तो देखिए, X1 जो थी ना, पहले से ही हमारे लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कार थी, कि रफली अगर मैं सोचूं तो 2022 में 18% के करीब जो सेल हुई थी हमारी X1 की पूरे में। ये नहीं है कि X1 सबसे बड़ा हमारा प्रोडक्ट है, बट एक अच्छा पिलर है जो कहते हैं हमारी सेल्स का। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे जो X1 की इम्पोर्टेंस है वो है कि लोगों को प्रीमियम सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करने की। सो दो कस्टमर ट्रेंड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो है कि एक तिहाई जो कस्टमर है X1 का, वो उनका एज है 21 से 40 के बीच में, तो दैट मीन काफ़ी यंगर ऑडियंस है। दूसरा 57% जो है ये जो कस्टमर जो X1 खरीदता है वो माइग्रेट कर रहे हैं आइदर नियर प्रीमियम से या मैस सेगमेंट से ऊपर। सो मतलब वो पहली बारी आ रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में अपना ट्रेड इन करके। तो उस वजह से हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये कस्टमर ढूंढ क्या रहा है, उनको क्या चीज़ सूट करती है। तो अगर आप उस कस्टमर को अब आप पॉइंट में ले जो पहली बारी प्रीमियम सेगमेंट में आ रहा है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है रोड प्रेजेंस होनी चाहिए गाड़ी की, ठीक है, पहली बात। दूसरी, अंदर स्पेस और कम्फर्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, यंगर ऑडियंस है तो टेक्नोलॉजी काफ़ी होनी चाहिए, यू नो, डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी तो चाहिए ही चाहिए हमें एज इंडियन कस्टमर, राइट। एफिशिएंसी ज़्यादा हम सोचते हैं, परफॉर्मेंस कम, बट लेकिन हम BMW है तो हम तो परफॉर्मेंस सोचेंगे ही सोचेंगे, बट उसके साथ हम एफिशिएंसी भी सोचते हैं। तो हमने इस X1 के साथ क्या किया है, पहली बात तो ये काफ़ी बोल्डर लुकिंग कार है, मतलब काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग कार है, तो रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है पिछली गाड़ी से। काफ़ी लोगों ने जो अभी पहली बारी देखा है वो तो बोल रहे थे, अच्छा ये तो मैंने सोचा कि ये दूसरी बड़ी गाड़ी है आपकी, यू नो, पहली बारी देख के बोलते ये तो X1 लगती नहीं है। दूसरा, अंदर स्पेस काफ़ी इंक्रीज़ की गई है, सो आप खुद बैठ के देखेंगे कि कंफर्ट लेवल काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है, स्पेस इंक्रीज़ की है, लग्जरी जो इनसाइड है गाड़ी की वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर आई गई है। लोग एंट्री लेवल कार कहते हैं, हमारा ये कहना है X1 एंट्री लेवल नहीं है, X1 आपकी पहली प्रीमियम कार हो सकती है लेकिन एंट्री लेवल नहीं है, बिकॉज लग्जरी लेवल इसका कोई लो नहीं है। अब आप फिर टेक्नोलॉजी में जाइए तो टेक्नोलॉजी देखिए, जो हम कनेक्टेड ड्राइव ऑफर कर रहे हैं, आपको एक सीमलेस इंटीग्रेशन देता है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू उस कार को कंट्रोल कर सकते हैं पूरी, नॉट कि जब आप सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गाड़ी के आसपास की सराउंडिंग्स ठीक है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है गाड़ी का, ओवर द एयर होता है, आपको डीलरशिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिजिटल की हमने ऑफर की है अपने कस्टमर्स को, जो बेसिकली मींस कि आपको अपनी चाबी कैरी करने की ज़रूरत है, आपकी स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन जो है वो आपका की का फीचर यूज़ करेगा, और आप ये की 5 लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, करना चाहें, और इसके अंदर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम के लिए आप शेयर करना चाहते हैं। तो मतलब आपके पास पूरा कंट्रोल है, जो कि आई थिंक आजकल के कस्टमर को चाहिए, तो उस हिसाब से हमने ये किया। और फिर परफॉर्मेंस जो हमारी है वो तो हमेशा मानी ही गई है BMW की, तो हमने परफॉर्मेंस के साथ अब एफिशिएंसी को भी जोड़ दिया है। जैसे हमारे जो डीजल है उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी 20 किलोमीटर के करीब होगी, और जो पेट्रोल है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी 16 किलोमीटर की होगी। सो आप सोचते हैं अब परफॉर्मेंस कार, प्रीमियम कार जो पहली बारी खरीदना चाह रहा है उसके लिए एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो नीड भी हमने एड्रेस की है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इससे काफ़ी कस्टमर्स जो आज तक प्रीमियम गाड़ी में लेने के लिए हिचकिचाते थे, हमने वो सारी हिचकिचाहट हटा दी है। जब BS4 X1 थी तब X ड्राइव आता था, ऑल व्हील ड्राइव जिसे हम कहते थे, फिर उसके बाद जब BS6 में गाड़ी आई तब S ड्राइव, मतलब 2-व्हील ड्राइव। अब आपको नहीं लग रहा था कि मतलब पूरा नया जनरेशन गाड़ी का हम लेकर आए हैं X1, तो इसमें भी कुछ कस्टमर्स होते हैं, जाहिर सी बात है डीलरशिप पे आते होंगे, पूछते होंगे, तो उन्हें ऑल व्हील ड्राइव चाहिए या नहीं? देखिए, X1 जो है एक सिटी SUV है, राइट। ये ऑफ रोडर तो मैंने नहीं देखा है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। X-Drive नॉर्मली आप यूज़ करते हैं उन एनवायरनमेंट्स, या तो ऑफ रोड या स्नो या सैंड में आप ड्राइव करें, तब X-Drive का ज़्यादा यूज़ में आता है। एंड ऑफ कोर्स जो रियल ड्राइवर एट हार्ट होते हैं उनको भी X-Drive चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द थ्रिल दैट यू गेट विद दैट। बट मेजॉरिटी जो कस्टमर्स हैं उन्होंने हमें यही फीडबैक दिया था कि हमें X-Drive नहीं चाहिए इंडिया में, हमें आप एफिशिएंसी दीजिए साथ में, यू नो, वो कॉम्बिनेशन दीजिए, कम्फर्ट दीजिए, लग्जरी दीजिए, एंड वही हम ऑफर कर रहे हैं इसके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग NVT ऑटो कन्वर्सेशन।
आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और आपको लगता है कि कुछ सवाल मुझसे मिस हो गए हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि हम सर से फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक यू सर। थैंक यू अंकित। थैंक यू।